देख सकते हो मेरे पीछे वेलकम टू कटिहार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे छोटा सा राज्य है कटिहार जो है, और यहाँ पे जो है इसका पहले नाम था देवी कटिहार, लेकिन बाद में इसको शॉर्ट करके जो है कटिहार रखा गया। मैं तो अभी सफ़र कर रहा हूँ, पूरा इसके बारे में हिस्ट्री तो मैं दिखा नहीं सकता अंदर क्या क्या है। किसी को भी मौका मिलेगा तो चलेंगे वहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। ये कल इसी के बारे में भी बहुत चर्चा हुई और लड़ाई भी हो रहा था सुबह, मतलब शाम को बहुत लड़ाइयाँ हुई। पानी के बारे में भी था, लेकिन इसके बारे में तो लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे थे। अभी तक उन्होंने सही नहीं किया है, थोड़ा सा गंदा है। अभी तक वैसे का वैसे ही है ये, आप लोग जा नहीं सकते हो। दो बीत भी हो गए हैं, तो कल इसी के चक्कर में जो है बहुत सारा हंगामा भी हुआ था। तो आप लोगों ने देखा, मेरे को बच्चा कह रहा है चाय वाला नहीं आया, एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ। इतने छोटे में चाय का शौकीन है तू, चाय अच्छा लगता है? दाल खोला, दाल खोला, ये बंगाल है ना? हाँ बंगाल। बाय बाय ढाल खोला, बाय ढाल। अभी ढाल खुला है, उसके बाद आएगा संगल, तो हाँ इसके बाद आएगा। छब्बीस घंटे से भी ज़्यादा हो गए सफर में, पूरा हाल हो गया है। दोस्तों बने रहिए चैनल पे, क्या क्या होता है सब आपको पता चल जाएगा। ट्रेन में जो पटरियाँ पड़ी हुई हैं, जो पुरानी पटरियाँ पड़ी हुई हैं, देखिए बंगाली में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ है न्यू जलपाईगुड़ी। लोग भरे पड़े हुए हैं भैया, बहुत ज़्यादा लोग हैं स्टेशन में, बहुत ज़्यादा लोग हैं भैया, भरे पड़े हुए। सारे आसाम जाने वाले हैं, लगता है स्टेशन को बाहर ले जाके रोक देगा हमें, पूरा निकाल दिया। चलो भैया आ गए। तो दोस्तों ये रहा सिलीगुड़ी का, तो पुराना सबसे पहला वाला ट्रेन है ये, 1798 का ये जो है ट्रेन है आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको डेमो के लिए रखा हुआ है, सब लोग देखेंगे पहले ट्रेन कैसा होता था। तो आप लोग भी देख सकते हैं मुझे पीछे, मैं फ्रंट वाले कैमरे से आपको दिखाऊंगा। 1798 में ये बना हुआ था, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लेके यहाँ पे रखा गया है। न्यू जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इधर से वहीं के सामने ही गए ट्रेन लगा हुआ है। क्या मस्त व्यू है ये, इस तरह के पहाड़ के रास्ते बने, बड़े थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, और उसे केयरफुली ड्राइविंग करना पड़ता है, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि केयरफुल रहना पड़ेगा। सामने भी पहाड़ है, आगे पीछे, मतलब यहाँ पे जो कट है ना, जो मतलब जिस तरह का ये मतलब मोड़ आ रहे हैं, उस मोड़ पर थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है कि आगे पीछे उधर से गाड़ी आता है तो टक्कर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बीच बीच में इस तरह के अगर रास्ते से आप लोग गुजरते हैं तो हॉर्न पहले बजाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मिलिट्री जो है, आर्मी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख जाती है, इसलिए दिखती है क्योंकि चाइना बॉर्डर इस यहाँ से पास ही पड़ता है, तो उस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे ये देखो सामने मंदिर है ऊपर की तरफ, ये देखो मंदिर का, बहुत प्यारा मंदिर है यहाँ पे। गाड़ी हो और मंदिर ना हो, ऐसा कहीं देखा आपने?
इतना सुंदर मंदिर लग रहा है, देखिए बहुत प्यारा मंदिर है, कभी मौका मिलेगा तो दर्शन जरूर करने आऊँगा। जब मैं अगर दर्शन करने आऊँगा तो आप लोग को भी ब्लॉग इस मंदिर का जरूर मिलेगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक मेरे ख्याल से नदी भी है जो आप देख सकते हैं, पहाड़ का रास्ता है पीछे, मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं पूरे के पूरे पत्थर हैं, ये चट्टान आप कह सकते हैं इसको। ये देखिए प्यारा सा नदी, तो इसी तरह के रास्ते हैं यहाँ पे, अबड़ खाबड़ भी है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। इस तरह के ट्रैवलिंग करने में मज़ा ज़रूर आता है लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है, केयरफुली रहना पड़ता है, रास्ते थोड़े से ऊबड़ खाबड़ होते हैं, मोड़ ज़्यादा आते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ड्राइवर को भी बोलना पड़ता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है इस तरह का ट्रैवलिंग। तो आप लोगों ने भी किया तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसा होता ही कि ऐसी चीज़ तो नहीं होती है कि जो हम लोग सोच के चलते हैं और ऐसा हो जाता है, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल क्लियर रास्ता है, इस तरह के रास्ते में ड्राइविंग करने में मज़ा आता है। और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सारे, मतलब ये चाय के बगीचा है, पूरे ग्रीनरी जो दिख रही है आपको सारा चाय का बगीचा है। लेकिन मेरे पीछे देख सकते हैं पत्थर पत्थर, पूरा चट्टान है, पूरे की पूरी चट्टान है, देख रहे हैं। और गाड़ी बड़ी तेज़ चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है, ऑडियो में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, उसका थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।